हेलो दोस्तों, मैं हूं रजत। बहुत बहुत स्वागत है दोस्तों आप सभी का इस न्यू वीडियो में। दोस्तों आज का वीडियो काफ़ी ज़्यादा शानदार होने वाला है अगर आप सीरियल गुम्बे किसी के पैर में देखते हैं तो। दोस्तों याद होगा कि कल के दिन एक प्रोमो आया और इस प्रोमो के आते ही लोगों ने सवाल करने शुरू कर दिए कि प्रोमो में जो दिखाया गया है वो वाकई में हैरान करने वाला है और इसके साथ ही क्या होने वाला है इस प्रोमो के आगे और इसकी स्टोरी कहाँ पर जाकर अब जुड़ने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों बात करेंगे इस प्रोमो के बारे में, लेकिन अगर प्रोमो के बारे में जानना है तो पहले समझने पड़ेगी मंडे एपिसोड की स्टोरी, क्योंकि इस मंडे एपिसोड में ऐसा बहुत कुछ होने वाला है जहां से इस प्रोमो की कहानी जुड़ने वाली है। यानी कि दोस्तों आने वाला जो सप्ताह है ये कुछ टकरार में निकलने वाला है। हाफ वीक में कहूं कि मतलब आधा सप्ताह इन टकरार में निकलेगा एंड उसके बाद जाकर कहीं जो है सिचुएशन फिर से संभलती हुई नजर आएगी और सई और विराट एक साथ फिर से आपको देखने को मिलेंगे। तो ये तो रही खुशखबरी, लेकिन पहले चलते हैं मंडे एपिसोड की ओर, जहां पर दोस्तों लास्ट एपिसोड में आप देख चुके हैं कि सई और विराट के बीच में बहुत सारे लड़ाई झगड़े हो गए हैं, यहां तक कि विराट को जाकर काउच पर सोना पड़ा और अपने बेड पर भी नहीं सो पाया और अब बेचारे की बैक पेन और होने लगा है। तो ऐसे में दोस्तों पत्र लिखा ने तो उसका मुंह जला दिया है गर्म दूध पिलाकर। तो ऐसे में दोस्तों वहां पर अगले दिन जो है बहुत सारा ड्रामा अब आपको देखने को मिलेगा। दोस्तों जैसा कि आपको पता है कि जब वो लोग होटल से फिर से घर पर लौटे थे, याद होगा आपको वो सीन जब वो कहते हैं कि देखो इवेंट मैनेजर आ गए, तो ऐसे में दोस्तों वैसा ही कुछ आपको देखने को मिलेगा। सही बिचारी अपना बैग लेकर जो है, यानी कि जो बैग होता है हैंडबैग होता है उससे लेकर जाने वाली है हॉल में से चौहान निवास के। वहाँ पर वहीनी जो है और ओमी और निनाद जो है, जैसा कि मैं आपको पहले भी कई सारे वीडियोज़ में बताते आया हूँ इस बारे में, वो लोग जो है सही को काफ़ी कुछ भरा बुला वहाँ पर सुनाने वाले हैं और उससे कहीं ना कहीं ये उसे जता देंगे कि वो इस घर में केवल एक मेहमान है, उसका इस घर से कोई रिश्ता नहीं है, क्योंकि वो तो विराट के रिकवर होने तक के लिए यहाँ पर आई थी। पर अब दोस्तों समझ में नहीं आता कि ऐसा क्यों उन्होंने बोला, क्योंकि लास्ट एपिसोड में तो वो बच्चे की बात कर रहे थे कि तुम्हें सोचना चाहिए, अब उनके दिमाग में क्या चलता है ये तो भगवान ही जाने। तो ऐसे में दोस्तों जब सई का जो ज्वालामुखी जो शांत है, जब उनका ताना उन्हें लगने वाला है सई को, तो सही जो है उन पर ही चढ़ जाने वाली है और उन्हें काफ़ी कुछ अच्छे जवाब देने वाली है हमेशा की तरह। अब दोस्तों यहाँ पर जो है सही का साथ देने के लिए काफ़ी सारे लोग हैं, यानी कि सामने वाली जो टीम है वो तो खतरनाक है ही है, क्योंकि उसमें वहीनी निनाद और रूमी जैसे प्लेयर मौजूद है, लेकिन इधर अकेली सही काफ़ी है। लेकिन इसी के साथ साथ मोहित आजकल अच्छे सिक्सर और चौके लगाने लग गया है और साथ ही अश्विनी तो है ही है। तो ऐसे में दोस्तों अश्विनी और मोहित का साथ मिलने वाला है सई को। अब यहाँ पर दोस्तों सई को डिफेंड करते हुए वो दोनों नजर आएंगे, लेकिन सई तो कहती है ना कि वो वन मैन आर्मी है, वो अकेले ही सबको संभाल लेने वाली है। लेकिन दोस्तों यहाँ पर जब पत्र लेखा बीच में बोलेगी तो वहाँ पर सिचुएशन जो है उसके लिए ही काफ़ी ज़्यादा बिगड़ जाएगी। जैसा मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था कि पत्र लेखा अपने ही पैर पर कुल्हाड़ी मार चुकी है, क्योंकि दोस्तों अब विराट भी वहां पर पहुंचने वाला है, क्योंकि विराट को किसी के सहारे की तो जरूरत रही नहीं, इतने दिन हो गए गोली लगे वो तो रिकवर हो गया है। तो नीचे आएगा और देखेगा कि यहां पर फिर से एक और ड्रामा शुरू हो गया है और रात का ड्रामा बेचारा भूला नहीं था कि सुबह अब घर वालों का ड्रामा पकड़ो। तो ऐसे में दोस्तों वहां पर विराट सारी सिचुएशन देखेगा एंड सही किससे जब पत्र लेखा बोलेगी तो आपने एक ये वाला सीन भी जरूर देख लिया होगा, अपकमिंग में दिखाया गया था अगर आपने गौर किया है तो, जहां पर सही जो है सवाल पूछती है पत्र लेखा से कि अब सच बताने का समय आ गया है, आप सच बताएंगी कि मैं सच बताऊं। यानी कि सच का जो काउंटडाउन है जो लंबे समय से चल रहा है, पहले हरिणी का था, पुलकित का था, अब ये विराट और पाखी का है। तो ऐसे में दोस्तों जब ये शब्द घर वाले सुनेंगे तो हैरान हो जाएंगे कि अब इनका कौन सा सच है, यानी कि घर के बड़ों ने तो सच बढ़िया बढ़िया दबा रखे हैं, लेकिन अब तो घर के बच्चे भी इतने बड़े हो गए हैं कि सच दबाने लगे हैं, उनके भी कई सारे सच है। और जब ये वहीनी निनाद और रूमी सुनेंगे, घर के बड़े सुनेंगे, बहुत ज़्यादा हैरान हो जाएंगे। हाँ, आपको हालांकि ये पता होगा मोहित और करिश्मा और अश्विनी को इस बारे में सब कुछ पता है, सीरियल के स्टार्टिंग में ही उन्हें सब कुछ पता चल गया था, तभी तो 36 का आंकड़ा है अश्विनी और पाखी का। तो ऐसे में दोस्तों वहाँ पर बहुत लोग हैरान हो जाएंगे, पूछेंगे कि क्या बात है। लेकिन अब दोस्तों सीरियल है, एक बार में सारे सच सामने आ जाए निकल कर ये तो पॉसिबल ही नहीं है, यहाँ पर भी ये बात उलझ कर ही रह जाएगी एंड कुछ भी इसका वो मेन जो मोटिव होता है जो आप देखना चाहते हैं, मेन जो लक्ष्य होता है कि सच सबके सामने आ जाएगा और फिर क्या ड्रामा होगा, ऐसा कुछ शायद नहीं देखने को मिले, क्योंकि ये तो सीरियल की लीड स्टोरी है। ये जब धमाका चौहान निवास में होगा तब तो स्टोरी पलट जाएगी और ये धमाका सम्राट के आने पर ही होगा और सम्राट को आने में अभी थोड़ा वक्त है, 2 महीना आप मान लीजिए सम्राट को आने में वक्त होगा लगभग अब। तो ऐसे में दोस्तों ये कहानी तो है मंडे एपिसोड की,
कि और मंडे और ट्यूसडे भी मान लीजिए, क्योंकि लड़ाइयाँ हुई है तो बहुत लंबी लंबी चलने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों मंडे और ट्यूसडे को लगभग ये सब कुछ आपको देखने को मिलेगा। अब सवाल होता है प्रोमो की, प्रोमो की कहानी कहाँ जुड़ने वाली है। तो ऐसे में दोस्तों जो सई जो है घर से निकली थी कॉलेज के लिए, वो पुलकित के घर जाने वाली है। शायद वो पुलकित के घर जाने के लिए ही निकली हो। तो ऐसे में दोस्तों पुलकित के घर जब वो पहुंचेगी तो वह हरिणी और दिव्यानी को देखेगी। एंड सबसे पहले तो बहुत खुशी उसे होगी कि यार मैंने इनके बीच में सब कुछ सही कर दिया है और अब ये एकदम माँ बेटी की तरह रहते हैं। माँ बेटी कम दोस्त की तरह ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि दोनों की जो एज है वो तो मैच नहीं करती, लेकिन दोनों का जो दिमाग है वो एकदम सेम बच्चों के जैसा और एकदम सच्चा है। तो ऐसे में दोस्तों एक तरफ तो खुश होगी, लेकिन दूसरी तरफ पुलकित जो है वो बहुत ज़्यादा समझदार दिखाया गया सीरियल के अंदर। वाकई में काफ़ी सुलझा हुआ दिखाया गया है। वो सही से देखते ही समझ जाएगा कि कुछ तो गड़बड़ है। एंड वो उससे विराट और सई की रिलेशनशिप के बारे में काफ़ी बातें करेगा। उसे समझाएगा कि सई जो तुम कर रही हो घर से छोड़ के जाने का प्लान जो बना रही हो कि विराट के रिकवर होके तुम चले जाओगे, तुम बहुत गलत कर रही हो, क्योंकि चौहान निवास के लोगों को सिर्फ एक ही व्यक्ति संभाल सकता है और उसका नाम है सई जोशी। और विराट को भी तुम्हें ही संभालना होगा, भले ही तुम आज भी इसे एक डील क्यों ना मानती हो, लेकिन तुम्हारा फर्ज बनता है इस सिचुएशन को संभालना और विराट और अपने रिलेशनशिप को मेंटेन रखना। अब दूसरी तरफ दोस्तों विराट को भी किसी सहारे की जरूरत है। अपनी आई से तो सब कुछ डिस्कस नहीं कर सकता है, तो ऐसे में उसे याद आएगा उसका सबसे प्यारा दोस्त यानी कि सनी। जी हाँ दोस्तों, सनी जो है वहाँ पर एक तरफ तो पुलकित जहाँ पर सई को समझा रहा होगा कि सई तुम्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, कुछ ऐसा ही, और दूसरी तरफ विराट को एक दोस्त का सहारा मिलने वाला है, जहाँ पर सनी उसे समझाएगा विराट को कि विराट यार देख, तुझे समझना होगा कि तुझसे क्या गलती हो रही है और तुझे अपने इस रिश्ते को कैसे बचाना है। यानी कि दोस्तों अब सई का जो व्यवहार है, जब वो काउच पर सोया बेचारा विराट, तब उसकी पीठ में दर्द हुआ, अब उसकी सेवा भी सई ने की लेकिन उससे नाराज भी सई है। अब विराट के लिए सिचुएशन समझना बहुत मुश्किल हो गया है कि लड़की चाहती क्या है। अब इसी चाहती क्या है का सई का सवाल का जवाब जो है एक तरफ सई को पुलकित देने वाला है कि विराट क्या चाहता है, दूसरी तरफ विराट को जवाब देने वाला है सनी कि सई क्या चाहती है। यानी कि टोटल मिला के अब सारे दोस्त और ये अच्छे रिश्तेदार मिलकर यानी कि पुलकित मिलकर दोनों के रिलेशनशिप को अच्छा बनाने के लिए उन्हें मोटिवेट करने वाले हैं, और ऐसा होगा भी, क्योंकि दोस्तों ये सीन आपको मंडे ट्यूसडे और वेडनेसडे तक देखने को मिल सकते हैं। एंड इसके बाद फाइनली दोनों के बीच की मिसअंडरस्टैंडिंग जो है वो थोड़ी कम होते हुए आपको नज़र आएगी और फिर से एक बार कहानी नए मोड़ पर आएगी, जहां पर दोस्तों अब पत्रलेखा से जो है घर में काफ़ी सारे सवाल जवाब होंगे। सनी भी एक दोस्त के नाते पत्रलेखा को काफ़ी कुछ समझाने की कोशिश करेगा और स्टोरी आगे बढ़ेगी। और इसके बाद दोस्तों क्या होगा आने वाले वीक में, इसके अपडेट में आपको अगले वीडियो में दूंगा। पूरे वीक की स्टोरी आपको बताऊंगा, क्योंकि ये वीक काफ़ी बड़े टर्न और ट्विस्ट लेकर आएगा। एंड यहाँ से एक नई स्टोरी लाइन भी शुरू हो रही है, उसके बारे में भी आपको बताऊंगा। तो दोस्तों ऑल न्यू अपडेट्स के लिए मेरे साथ जुड़े रहिए, और आई थिंक आप भी आने वाले एपिसोड के लिए काफ़ी ज़्यादा एक्साइटेड होंगे। कोई भी सवाल अगर आपके दिमाग में अभी है सीरियल को लेकर मन में है, तो मेरे साथ सीधे इंस्टाग्राम पर शेयर कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबाना ना भूलें, और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा अगर आपको वीडियो पसंद आया है। तो मैं अगले वीडियो के साथ फिर से लौटूंगा, जब तक के लिए थैंक यू दोस्तों।